Today I'm presenting 2 BHK, 3 BHK and 4 BHK super spacious apartment at Kandivali location near to the highway. Basically it's a 100 meter distance from highway. You have all the connectivity like metro station and everything in your locality. इसके अलावा अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो जी प्लस 50 स्टोरी का टावर है. इसमें आपको पोडियम लेवल्स देखने को मिलेंगे और आपका फर्स्ट पोडियम जहाँ पर एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी एग्जैक्टली बोलूँ तो 9th फ्लोर पे आपको सारी एमिनिटीज़ देखने को मिलती है. रूफटॉप एमिनिटीज़ के कंसेप्ट को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करता और इस तरह से डिज़ाइन किया है. इतना प्रीमियम है कि आपको बहुत पसंद आएगा. इसमें अलग अलग तरह की आपको 40 प्लस एमिनिटीज़ देखने को मिलती है और प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है. हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस है. इसमें आपको 2 and 3 BHK के मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, लेट्स चेक आउट द टूर. सो हम लोग जब आपके फ्लैट की बात करते हैं, आपके प्रोजेक्ट में आपका जो फ्लैट है वो इसे चार चांद लगाता है. इसका कारपेट एरिया है जो इसे स्पेशल बनाता है. पूरे फ्लैट की बात करूंगा, पूरा टूर दिखाऊंगा. फ्लैट में किचन किस तरह का है, आपका लिविंग रूम किस तरह का है, डेक कितना बड़ा है, बालकनी कैसी है, सब कुछ हम लोग देखेंगे. बट मैं एक बेसिक इन्फो दे दूँ फ्लैट के बारे में. 2, 3 and 4 BHK के फ्लैट हैं. मल्टीपल कारपेट के ऑप्शन है. 2 BHK में आपका 770 के आसपास कारपेट शुरू होता है, 822 तक जाता है. और उसके अलावा अगर मैं आपके 3 BHK की बात करूं तो वो कारपेट एरिया आपको 1150 से शुरू होता है और ये जाने को जाता है 1450 तक, लिटरली 1500 स्क्वायर फीट तक. 4 BHK की अगर मैं बात करूं तो वो जाता है आपका 2000 से स्टार्टिंग कारपेट एरिया आपको देखने को मिलता है. अगर इसके अलावा आपके पूरे फ्लैट में मैं दिखाऊं तो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है. फ्लैट दिखाते हैं फिर बात करते हैं कैसा आपका फ्लैट होगा. आपका सबसे पहले एंट्रेंस आ जाता है, एंट्री डोर. ब्रास फिटिंग के डोर मिलेगी, फिटिंग फिक्स्चर सारे ब्रांडेड क्वालिटी के हैं. 2 क्वार्ट्ज प्लेटफॉर्म के साथ में आपको आपका किचन डिजाइन करके मिलता है. अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो. डबल डोर का फ्रिज रख सको, इतनी जगह आपके किचन में आपको मिल जाती है. इवन उससे बड़ा भी थोड़ा स्पेस रहता है. मूविंग स्पेस आपकी अच्छी खासी है. उसके अलावा आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, ड्राई स्पेस. यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लान कर सकते हो. एंड किचन में मुझे 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं. अभी जैसे बहुत सारे लोग वास्तु मानते हैं, एक साइड में चूल्हा चाहिए रहता है, दूसरे साइड में आपको सिंक चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से भी डिज़ाइन किया हुआ है. वास्तु कंप्लायंट है. पूरे प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. माइनर डिटेल है बट काम की है. बाकी ये तो आपका किचन हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो जब मैं आपके बात करता हूँ लिविंग रूम की, तो लिविंग रूम कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा. एल शेप में लिविंग रूम है. सबसे पहले आपका डाइनिंग सेक्शन आ जाता है. यहाँ पर 6 सीटर का डाइनिंग टेबल दिख रहा है, बट स्पेस इसमें देखिए इतनी है कि आप बड़ा डाइनिंग टेबल भी प्लान करते हो तो आपका एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ जाए. 6, 8, even 10 सीटर तक का डाइनिंग टेबल आप प्लान कर सकते हो, इतनी स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है. ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 12 by 21 स्क्वायर फीट का आपको देखने को मिलेगा. 21 फीट का, तो 21 फीट कितना बड़ा हो गया आप समझ सकते हैं. उसके बाद भी आपका स्पेस खत्म नहीं होता. यू हैव अ थर्ड सेक्शन इन इट. दिस इज योर थर्ड सेक्शन, अ बालकनी सेक्शन. डेक एरिया देखने को मिलता है. किस तरह का डेक है वो देख सकते हो. बड़ा सा डेक देखने को मिलेगा, 12 by 4.8 का डेक आपको देखने को मिलता है, विच इज अ क्वाइट ह्यूज डेक. आफ्टर दैट when you move forward into your passage area, you have a powder washroom. Powder washroom कुछ इस तरह से रहेगा आपका, properly अलग अलग section में designed है. इसमें आपको तीनों master bedroom के भी options हैं और powder washroom वाले भी options हैं. बाकी आप अपने flat में और आगे जाते हो, यह आपका first master bedroom. आपके तीनों master bedroom रहने वाले हैं. आपका सबसे पहले wardrobe section आ जाता है, उसके बाद आपका ये bed और यहाँ पर आपका वॉशरूम आ जाएगा. वॉशरूम में 3 सेक्शंस हैं. आपका शावर सेक्शन आ गया, कमोड सेक्शन आ गया, वॉश बेसिन सेक्शन आ गया. तो तीनों सेक्शन को प्रॉपरली अलाइन किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है. फुल साइज में विंडो होने की वजह से वेंटिलेशन और सनलाइट को काफ़ी हद तक अच्छा एक सोर्स मिल जाता है आपके फ्लैट में एंटर करने के लिए और आपका फ्लैट काफ़ी प्यारा लगता है. दूसरा सेक्शन आता है, ये आता है आपका किंग साइज का बेडरूम. ये फॉयर एरिया आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, ये बेडरूम में आपको दिया हुआ है. प्लस आपका ये अटैच वॉशरूम है. टाइलिंग वर्क, मार्बल का जिस तरह का वर्क आपको पूरे फ्लैट में देखने को मिलेगा वो बहुत प्यारा बनाता है फ्लैट को. इसमें आप जब एंटर करते हो तो स्पेस आपका स्पेस इतना है कि आप मूविंग स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है. आपका वार्डरोब रखने के बाद
आपका बेड प्लान करने के बाद आपके पास अच्छी खासी स्पेस है कि आप पूरे फ्लैट में आपके पूरे कमरे में मूव कर सकते हो, और फुल साइज में विंडो इसमें भी रहेगी जिसमें आपको प्रॉपर व्यू के ऑप्शंस मिल जाते हैं, मल्टीपल व्यू के ऑप्शन हैं। 50 माले का टावर होने की वजह से व्यू के ऑप्शन अनलिमिटेड हो जाते हैं। ये था आपका किंग साइज बेडरूम, तीनों मास्टर बेडरूम्स हैं। आपका तीसरा मास्टर बेडरूम ये आ जाता है, इसमें आपका वॉशरूम कुछ इस तरह से रहेगा। फिटिंग फिक्चर्स इसमें भी आपको ब्रांडेड क्वालिटी के मिल जाते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, टोटो की फिटिंग्स मिल जाती है विच इज अ जैपनीज ब्रांड। आफ्टर दैट दिस इज योर थर्ड मास्टर बेडरूम, सेम साइज ऑलमोस्ट सिमिलर साइज मिल जाता है। साइज के मामले में ये भी आपको देखने को मिलता है कुछ 13.5 बाय 11, साइज आइडल है। इवन आपको आपके लिए वार्डरोब के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, वार्डरोब प्लान करने के बाद आपका मूविंग स्पेस कुछ इस तरह सा बचेगा। ये तो हो गई आपके 2 BHK 3 BHK की बात, 4 BHK फ्लैट इससे भी बड़े होंगे। सो 3 BHK में इससे बड़ा साइज भी एक है, और 4 BHK में भी आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, देन दिस इज द प्रोजेक्ट।